गोशामल विधायक टी राजा सिंह को नजरबंद कर दिया गया है। विधायक गुरुवार को हाल ही में चंगीचरला में होली के दौरान घायल और पीड़ित परिवारों से मिलकर आवश्यक मदद करने के लिए जाने की योजना बनाई। बड़ी संख्या में पुलिस सुबह ही उनके निवास पहुंचे और बाहर जाने पर मना कर दिया। इस दौरान राजा सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हमने चंगीचरला में होली के दिन घायल और पीड़ित परिवार को सांत्वना और आवश्यक मदद करने के लिए जाने की योजना बनाई, मगर पुलिस ने हमें जाने से रोक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ की सरकारें MIM के इशारों पर काम करती है, हमें चंगीचरला जाने से रोक दिया गया। विधायक ने आरोप लगाया कि महिला पर हमला करने वाले झुंड को लोगों के हवाले छोड़ दिया है और उल्टे BJP के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि महिला पर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करे और BJP के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले। साथ ही चेतावनी दी कि यदि BJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लेते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। होली के दिन चंगीचरला में हिंदू फेस्टिवल मना रहे थे, होली खेल रहे थे, होली दहन कर रहे थे साउंड सिस्टम लगाकर, लेकिन बाजू की एक मस्जिद में से एक झुंड आता है, महिलाओं पर वहां पर होली खेल रहे नौजवानों पर पथराव करते हैं, लाठी डंडों से हमला करते हैं और उनको घायल करते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, पुलिस सिर्फ एक साइड ही कार्रवाई करती है, हिंदुओं के ऊपर उल्टा मार खाने वालों के ऊपर पुलिस केस बुक करती है। और जो सौओं की संख्या में जो मस्जिद में से निकलकर जो लोगों ने हमला किया है, सिर्फ 7 मेंबर्स के ऊपर पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेती है। ये मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से, कि एक समय पहले TRS की सरकार थी, वो समय पर भी हिंदुओं पर जुल्म ही हुआ, जनता ने थककर उस सरकार को खत्म किया और भूल के कांग्रेस को जिता दिया। यहाँ के हिंदुओं को पता नहीं था कि कांग्रेस का राज्य हो या TRS का राज्य हो, हिंदुओं को तो मार ही खाना है, क्योंकि यहाँ की सरकार है असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर चलती है, MIM के इशारे पर चलती है। आज देखिए, जो लोग मार खा रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको खाना पानी बंद कर दिया। आज हम बहुत सारे कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर राशन पानी लेकर चंगीचरला में जो लोग घायल हुए, जिनके घर टूटे हैं, उनसे आज हम लोग मिलने की योजना बनाए थे, लेकिन हमारे घर के पास पूरी पुलिस फोर्स आ गई, 8 से 10 पुलिस स्टेशनों के इंस्पेक्टर, पूरी पुलिस फोर्स आके हमें बोल रही है कि आप हाउस अरेस्ट है, आज आप बाहर नहीं निकल सकते। रमजान के मौके पर मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा के नेतृत्व में मेहंदीपट्टनम के किंग पैलेस में 14 दिनों के लिए दावत रमजान नाम से एक एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। शो का उद्घाटन लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने किया। इस नाइट बाजार प्रदर्शनी में रमजान के त्योहार के लिए आवश्यक सभी प्रकार की वस्तुओं के स्टॉल लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी आयु वर्ग के बच्चों और महिलाओं के साथ फैशनेबल कपड़े भी शामिल है। अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा कि वह हैदराबाद के सबसे बड़े एक्सपो दावत रमजान कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैदराबाद बहुत पसंद है, बहुत दिनों बाद मैं हैदराबाद आई हूँ। उन्हें हैदराबादी बिरयानी और हलीम का स्वाद बहुत पसंद है। अनम मिर्जा ने कहा कि यह सबसे बड़ा शो होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल, खाने पीने की चीजें और मौज मस्ती भरी प्रदर्शनी साबित होगी। यह प्रदर्शनी 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने लोगों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ इस समय ये दावत है रमजान में खड़ी हूँ और इतना इतना प्यार आप लोग से मिल रहा है कि बहुत दिल खुश। एंड मैं यही चाहूंगी कि हमारे अल्लाह परवरदिगार आप लोग के सारे रोजे कबूल करें। अभी 15 दिन हुए हैं, 15 दिन और बाकी हैं और वो बहुत कामयाब रहे आपके, कर लीजिएगा, हमारे लिए भी दुआएं मांग लीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। भाई तुम इतनी, हाँ जी बोलिए, आई लव यू टू। थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए फॉर दावत रमजान। आज दावत रमजान का Day 1 है, हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट 15 दिन के लिए है, किंग्स पैलेस में हो रहा है, रोज इफ्तार से लेके सहरी तक है। हम लोग 7 बजे खुलते हैं और ऑल द वे 4 बजे सुबह तक खुले हैं।
ऑलमोस्ट 250 स्टॉल्स हैं, लोग हैं जो लुधियाना से आए हैं, जयपुर से आए हैं, ऑल ओवर इंडिया, पंजाब, दिल्ली, बैंगलोर. तो द काइंड ऑफ कलेक्शन है, आपको ये कलेक्शन और कई नहीं मिलेगा इन हैदराबाद, स्पेशली इन रमज़ान के टाइम में. तो आप लोग पूरे आइए, और सेल्स वगैरह भी ज़बरदस्त है, और ये सबको टॉप करने यहाँ का जो खाना है, खाने की जो वैरायटी है, हमारे पास बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, हलीम है, यू नो रोस्टरी की कॉफ़ी है, दुनिया की चीज़ है गाइस. आप ऐसी एक चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं है. तो आप लोग पूरे आइए अपनी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के लिए भी एक खेलने का पूरा इलाका है. तो प्लीज़ आइए एंड प्लीज़ इंजॉय, और आप लोग एक दावत रमज़ान एक्सपीरियंस के साथ जाइए. AICC प्रवक्ता और तेलंगाना मीडिया प्रभारी सुजाता पाल ने कहा कि लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि खातों को फ्रीज किया जा रहा है, कांग्रेस ने आयकर का भुगतान नहीं किया है ताकि कांग्रेस की वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए. सुजाता ने कहा कि BJP सरकार ED, IT और CBI का दुरुपयोग कर रही है. कांग्रेस को 14 लाख का नगद चंदा देने वाले सांसदों पर 106% जुर्माना लगाया गया. मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड ऐसे खरीदे गए जैसे कि चंदा और धंधा कर ले. एक तरफ ED और IT ने तलाशी ली और बाद में चंदा लिया. 38 समूहों ने 179 परियोजनाएं बनाई है. उन कंपनियों से 2000 करोड़ रुपए वसूले गए. 3,84,800 करोड़ के अनुबंध हुए. फर्जी कंपनियों से BJP को 419 करोड़ का चंदा मिला. आज मैं आपके सामने आई हूँ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और कांग्रेस पार्टी की बात जनता तक पहुंचाने के लिए. लोकतंत्र पर कैसा प्रहार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो जनता को जानना आवश्यक है. जब हम चुनावों में जा रहे हैं उस वक्त कैसे कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश, फाइनेंशियली क्रिपल करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है वो आपके सामने है. कोई भी पार्टी चाहे वो BJP हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी, कभी इनकम टैक्स नहीं देती. केवल अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स उन्हें फाइल करने होते हैं. और अगर हमें इनकम टैक्स नहीं देना तो हमारा कोई अनपेड टैक्स नहीं ड्यू होगा. तो अगर अनपेड ड्यूज नहीं है तो हमारे को पेनल्टी किस बात की लगनी चाहिए? अगर हमने देरी से ITR फाइल किया. आप में से कितने लोग ITR फाइल करते वक्त देरी हो जाती है, कई बार महीनों की देरी हो जाती है, 6 महीने की देरी हो जाती है, और पेनल्टी मैक्सिमम 10,000 की. लेकिन कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना मतलब कि देश के डेमोक्रेसी को कमजोर करना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर प्रहार नरेंद्र मोदी की सरकार, इनकम टैक्स ED CBI सबका दुरुपयोग हो रहा है. और कैसे इनकम टैक्स को भेजकर हमारे अकाउंट्स में से पैसा ट्रांसफर कराया जा रहा है इसके बारे में जानना जनता के लिए आवश्यक है. हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तेलंगाना की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. और आज केंद्र की सरकार इनकम टैक्स का नोटिस हमें भेजती है, एक 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स पर, कि हमने 14 लाख रुपए, 14 लाख. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड से मुलाकात की. हैदराबाद के ताज फलकनुमा में उनसे मिले रेवंत रेड्डी ने उन्हें गुलदस्ता दिया. इस अवसर पर CM विनम्रता पूर्वक मिले हैं. दोनों के बीच राजेंद्र नगर में 100 एकड़ में बनने वाले नए हाईकोर्ट को लेकर कुछ देर बात हुई. न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड ने बुधवार को रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल के बुडवेल में 100 एकड़ में बन रहे उच्च न्यायालय के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी थी. कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस SV भट्टी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और अन्य शामिल हुए. इसके बाद हुई बैठक में CJI जस्टिस चंद्रचूड ने 32 जिला अदालतों के लिए ई-सेवा केंद्रों का ऑनलाइन शुभारंभ किया. पूर्व मंत्री KTR ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री के पास फसलों की सिंचाई या सूख जाने की समीक्षा करने का समय नहीं है. KTR ने राजना सिरसिला जिले के तंगलापल्ली मंडल के सालंगपल्ली खेतों का निरीक्षण किया.
केटीआर ने मांग की कि अगर कांग्रेस में किसानों को मदद करने के लिए ईमानदारी है तो 2 लाख की कर्ज माफी तुरंत लागू की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनाव संहिता लागू होने के बावजूद वे चुनाव आयोग से चर्चा कर अपनी चुनावी गारंटी के तौर पर विशेष अनुमति ले सकते हैं। केटीआर ने कहा कि लगभग 200 किसान पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। ऋण माफी लागू की जानी चाहिए और परिवारों को आश्वस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने रेतो भरोसा के तहत 15,000 प्रति एकड़ देने का वादा पूरा करने का भी सुझाव दिया। बीआरएस नेता मन्ने कृष्णांक ने कहा कि ये मोदी की साजिश है कि देश में कोई पार्टी न रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विचार है कि यह मुद्दा लोकसभा चुनाव का एजेंडा नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। मन्ने कृष्णांक ने कहा कि एमएलसी कविता और केजरीवाल को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता को सारी बातें समझा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मोदी हार के डर से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के गोलनाका सब्जी मंडी का केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने दौरा किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने बाजार से सब्जियां खरीदी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के संसदीय चुनाव दौरे के तहत बस्ती का दौरा किया। किशन रेड्डी ने टोपो ठेलों से सब्जियां खरीदी और फोन पे ऐप के जरिए डिजिटल भुगतान किया। उसके बाद उन्होंने स्थानीय पार्षद अमृता के साथ दौरा किया और नल्लाकुंटा में विभिन्न झुग्गियों में लोगों से बातचीत की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर कह रहे हैं कि अगर दूसरी और तीसरी फोन टैपिंग की गई तो केसीआर और केटीआर ही मुख्य कारक है, इसलिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इस मामले पर जवाब देना चाहिए और सीबीआई जांच करानी चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण ने अनुरोध किया। उन्होंने आलोचना की कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना फोन टैपिंग की गई। तेलंगाना में सरकार बदलने के बाद हार्ड डिस्क और सूचनाएं नष्ट कर दी गई। इटिला राजेंद्र ने उपल विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान और जीएचएमसी मैदान में पैदल चलने वालों के साथ सुबह की सैर की, पदयात्राओं से बातचीत की और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इटिला ने शिकायत की कि एक हार के बाद बीआरएस की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। बीआरएस से लोगों के बीच संपर्क टूट गया है। अगर केसीआर अहंकार के लिए 5 साल लग गए तो रेवंत रेड्डी को 3 महीने के भीतर अहंकार आ गया है। अगर वह सांसद के रूप में जीतते हैं, वह केंद्र से धन लेकर आएंगे और राज्य सरकार द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। महबूब नगर स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव के दौरान फारूक नगर एमपीटीओ कार्यालय में मतदान केंद्र बनाया गया। शादनगर विधायक वीरारपल्ली शंकर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मतदान केंद्र पर 10 मंडलों और 2 नगर पालिकाओं के 170 जन प्रतिनिधियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधायक वीरल्लापल्ली शंकर ने विश्वास जताया कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मन्ने जीवन रेड्डी जीतने जा रहे हैं। किसान सेवा सहकारी समिति की 41वीं आम बैठक मेडचल जिले के समीरपेट मंडल में आयोजित की गई। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रामिडी मधुकर रेड्डी ने कहा कि अब तक 40 आम बैठकें हो चुकी है। इस बैठक में चमाही वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 3 चिंतालपल्ली गांव में उर्वरक की दुकानें स्थापित की गई है ताकि वे किसानों के लिए सुलभ हो। चेयरमैन मधुकर रेड्डी ने बताया कि सामीरपेट संघ को 14 साल में टीएस कैप पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी चुना गया था। उपाध्यक्ष मिकला अलेया, निदेशक वंगा भूमि रेड्डी, मुधम प्रताप रेड्डी, कंथम नरेंद्र रेड्डी, अला श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा भिक्षपति, विश्ववर्धन रेड्डी और अन्य उपस्थित थे। नीलम मधु मुदिराज ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उन पर विश्वास के साथ मेदक संसद के लिए कांग्रेस सांसद उम्मीदवार के रूप में अंतिम रूप देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि वह कांग्रेस पार्टी नेतृत्व द्वारा उन पर जताए गए भरोसे को कायम रखेंगे और सभी के सहयोग से मेदक संसद में कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराएंगे। उन्होंने इंदिरा गांधी जैसे महान नेता द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली मेदक संसदीय सीट के लिए उन्हें चुनने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी को धन्यवाद दिया। सीएम रेवंत रेड्डी के आशीर्वाद से मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा, जग्गा रेड्डी, मैनमपल्ली हनुमंतराव, नीलम मधु मुदिराज ने सांसद के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों और कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद दिया। टीपीसीसी के पूर्व प्राधिकार प्रतिनिधि सतीश माड़िका ने पूर्व मंत्री केटीआर को अपने भाषण पर मुंह और आंखें बंद रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी एक मेहनती व्यक्ति है जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और निचले स्तर से मुख्यमंत्री के स्तर तक पहुंचे। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से पूछा कि क्या वह ऐसी बातें करेंगे जैसे वह जानना चाहते हैं।
दुहिया भट्ट ने पूछा कि क्या वो फोन टैपिंग का अपराध करेंगे और बिना शर्म के इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी एक मेहनती व्यक्ति है जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और निचले स्तर से मुख्यमंत्री के स्तर तक पहुंचे हैं। हम खुश हैं। क्रिकेटर कपिल देव ने कहा कि अगर हम अपने साथी को खुशी देने की कोशिश करें तो भी हम उसमें खुशी ढूंढ सकते हैं। उन्होंने एनआर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक पार्वती रेड्डी के साथ बंजारा हिल्स के पार्क हयात होटल में इंडिया ऑन कैनवस नामक फिल्म प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी 2 दिनों तक आयोजित की जाएगी। कपिल देव ने कहा कि ये एक छोटी सी सेवा है जो वे अपनी तरीके से समाज के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सेवा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने उन पर दया की है। अपनी खुशी संस्था के माध्यम से वह लगभग 20 वर्षों में 2,00,000 बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करने में सक्षम हुए हैं। इस कला प्रदर्शनी के माध्यम से धन एकत्र किया जाएगा और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उम्र में यह सेवा ही एकमात्र काम है जो वह कर सकते हैं। पार्वती रेड्डी ने कहा कि न सिर्फ खुशी के बोर्ड के सदस्य के तौर पर बल्कि साउथ हेड के तौर पर भी खुशी की ओर से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कई प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा चिन्हित 300 से अधिक पेंटिंग प्रदर्शित की जा रही है। वे तेलंगाना में हैदराबाद के साथ साथ पेद्दापल्ली और रंगारेड्डी के 8 स्कूलों में 2,365 छात्रों को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। फिल्म स्क्रीनिंग में रामगुंडम विधायक राज ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कंट्री क्लब के निदेशक वरुण रेड्डी और सिद्धार्थ रेड्डी के साथ साथ शहर की सोशलाइट उमांचे गुरपति, कामिनी शरफ, जीवी लक्ष्मी, मंजुला, संजय, सुषमा बोपन्ना और अन्य ने भाग लिया। फोन टैपिंग मामले में टास्क फोर्स के पूर्व डीसीपी राधा किशन राव और पहले एसआईबी में सीआई के पद पर कार्यरत गट्टू मल्लू से पुलिस ने पूछताछ की है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में वेस्ट जोन के डीसीपी विजय ने उनसे पूछताछ की। जब प्रणीत राव पर केस दर्ज हुआ तो राधा किशन राव अमेरिका चले गए। सर्च टीम द्वारा लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद वह हैदराबाद आए थे। राधा किशन गट्टू मल्लू को फोन टैपिंग मामले में मुख्य खिलाड़ी पाया गया। उन पर व्यवसायों को धमकी देकर पैसे वसूलने में अहम भूमिका निभाने का संदेह है। ऐसा लगता है कि बीआरएस ने विपक्षी नेताओं के घरों की जासूसी कर सरकार को जानकारी दी है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं को बेवजह हिरासत में लेने का आरोप लगाया जा रहा है। वे प्रणीत राव से उनके रिश्ते के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में एडिशनल एसपी भुजंग राव और तिरुपतन्ना के साथ प्रणीत राव को गिरफ्तार किया है। उन पर सरकार बदलने के बाद हार्ड डिस्क नष्ट करने का आरोप लगा था। इस बीच पुलिस ने भुजंग राव और तिरुपतन्ना की हिरासत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। नामपल्ली अदालत ने हिरासत पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हैदराबाद पुरानी बस्ती मीर चौक पुलिस स्टेशन के एथिबेर चौक इलाके में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को 2 अज्ञात हमलावरों ने एयर गन से धमकाया और भाग गए। दो पहिया वाहन पर 2 अज्ञात हमलावर लाइन में आए बिना आगे आए और उनके वाहन पर पेट्रोल डालने के लिए दुर्व्यवहार किया। आरोपियों और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के बीच बहस हो गई। स्टाफ ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीर चौक सीआई ने बताया कि आरोपियों की तलाश में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो मैंने उसको बोला भैया ये रूल के खिलाफ है, हमारे सेट कैमरा देखो। तो उसने मेरे को बोला रूल क्या होता है वो मेरे को बता। ठीक है, इतना करने के बाद में वो मेरे बोलने लगा। मैंने तो साहब को बुलाया था, मैंने बोला मैनेजर साहब उधर आइए, ये क्या बोल रहा है। तो वो बोल रहा अंदर कुछ बुला रहा है, ऐसा वैसा करके मेरे को हाथ वगैरह उठाने लग गया। फिर उसको उसने मेरे को छोड़ दिया, इसके साथ कुछ करने लग गया। फिर वो मेरे साथ आकर बोला, मैंने उसको हाथ क्यों उठा रहा भाई, तो ये वो इसे फिर जाके उस पर ये हाथ उठाने लगा। उस पर जो ब्रेकर था वो सब कुछ उस पर मारने लगा। फिर ये ऐसा लपड़ा हुआ जितने में हमारे आगे उनको ले गए। फिर वो वापस मैनेजर आए हमारे घर में, फिर हम लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, उसने हमारा हाथ पर घर लगा रहा, हाथ लगा रहा था। कौन सा गन था?